गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 पढ़े। जो प्रीवियस टू क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने पहले पढ़ लिए, आज हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा है साइन ए 3/4 कॉस ए एंड टेन ए। मुझे कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू निकालनी है साइन 3/4 से। तो साइन 3/4 दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हर बार क्या दिया होता था, ट्राइंगल दी होती थी, राइट एंगल, उससे मुझे परपेंडिकुलर या बेस कुछ एक चीज निकालनी होती थी और वो वैल्यू निकल जाती। पर यहाँ पे ट्राइंगल की बात ही नहीं है, तो ट्राइंगल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को विदाउट ट्राइंगल। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर ऐसा। तो पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस, एच को हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट वाला होता है साइन ए। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन में लिखा साइन ए 3/4। तो साइन की वैल्यू रहती है वो इसकी फॉर्म में पी ओवर एच रहती है। कितनी रहती है? पी ओवर एच। तो आ गया भाई पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू आ गई 4, एंड बचा क्या बी को। मैंने अगेन लास्ट टाइम की तरह बी माने, ज्यादा लाइट नहीं करेंगे, एक्स वाई कुछ नहीं माने, बी को बी छोड़ दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस लगाई तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। तो एच लिखा, एच का भी वैल्यू आती है वो 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू जैसे थी वैसे लिखी। इसके बाद 16, 9 और पी स्क्वायर, बी स्केयर आ गया, 16 से 9 गए, हमारे पास कितना बचता है 7 अंडर रूट का। तो सिंपल सी बात है, हमने सारा की सारा क्वेश्चन कर लिया। ध्यान देंगे जो हेल्प बुक है उसमें k के साथ क्या होता है क्वेश्चन को, जैसे 3k माना होगा 4k माना होगा उस हिसाब से, वैसे भी ठीक है, हम जैसे कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर ईजीएस्ट तरीका है इसको करने का। अब मुझे निकालना क्या है, चलो इधर ही लिख देते हैं, आ जाएगा। तो इधर लिखते हैं। इसके बाद मुझे निकालना क्या है, कॉस ए। तो कॉस होता क्या है, बी ओवर एच। भाई बी की वैल्यू क्या है ढूंढो उधर, बी के मैंने अंडर रूट 7 निकाली, एच कितना है, एच यहां पे 4 और टेन, टेन आ गया पी ओवर पी। तो पी की वैल्यू क्या रहेगी, अब पी की वैल्यू रहेगी 3 एंड बी की वैल्यू 1√7। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बी सी के साथ यहीं पे ही खत्म हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम करेंगे हमने क्या किया, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot a equals to 8 sin of secant निकाल दिया। दोबारा से पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे सॉल्यूशन। ये लिखा 15 cot a equals to 8। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में हर बार गलत करते हैं, क्या करते हैं वो 15 को इस साइड नहीं देके जाते, 8 को इस साइड देके जाते हैं। तो आना क्या चाहिए था, cot a equals to 8 by 15। तो cot बन गया दोबारा से वही, ये लिखा। तो सिंपल सी बात है, cot कब होता है इसका उल्टा, tangent का उल्टा। तो p सॉरी b ओवर p आ गया, b की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 8, पी की वैल्यू 15। मुझे निकालना क्या है, एच ही निकालना है, एच को एच मानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इधर, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख लिया। तो इसके बाद जैसे ही राइट किया तो एच की वैल्यू एच ही रहेगी, बी की वैल्यू कितनी है भाई 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर 225 होता है, दैट इज 64, 289 आया, अंडर रूट h, h की वैल्यू 7, h की वैल्यू क्या आगे प्लस माइनस 17 भी राइट कर सकते हैं, सिंपली 17 भी राइट कर सकते हैं। तो अब ये तो वैल्यूज आ गए, अब मैं निकाल रहा हूं साइन ऑफ सेकेंड। साइन ए लिखा और सेकेंड ए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद कर लो। साइन होता है पी ओवर एच, तो पी ओवर एच राइट कर लिया, पी की वैल्यू 15 और एच अभी निकाला, दैट इज 17। अब सेकेंड किसका उल्टा होता है, सेकेंड होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा हुआ तो एच ओवर बी, तो एच की वैल्यू दोबारा 17 और बी की वैल्यू 8। तो थोड़े से फॉर्मूले याद करने के बाद हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है इसके बाद वाला वो एक्स कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है सेकेंड 13/12, तो सिंपल सी बात है, दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद बोल ही राइट किया, तो सेकेंड किसका उल्टा होता है, दोबारा से सॉल्यूशन सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12, तो सेकेंड किसका उल्टा होता है, दोबारा से पता है ड्यू एच ही होगा, सेकेंड होगा कॉस का एच ओ बी, एच की वैल्यू आ गई भाई 13, बी को 12, एच को पी बचा, पी को हम अब पी ही मानेंगे, जैसे एच को एच माना बी को बी माना, तो आ गया एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर होता है 13 की लिखा, पी हमारे पास नहीं है तो पी पी रहेगा और 12 का स्क्वायर। इसके बाद 169 हो गया और पी तो नहीं था और 144, तो पी लिखा 169 - 144, दैट इज 25 भी आता है, बहुत बार आ गया, 5 आएगा प्लस माइनस का, पी की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है तो प्लस में ही आएगी। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए, इसके लास्ट में लिखा था कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट करो और उनके आंसर्स फाइंड आउट करो, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं वो राइट कर रहा हूं मैं, यही कर लेते हैं। तो पहला साइन, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट, टेन के बाद आ गया कोसेकेंट, सेकेंट एंड लास्ट इज कॉट। तो ये साइन कॉस टेन कोसेकेंट सेकेंट एंड कॉट लिखा, अब इसके वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो वैल्यूज दोबारा से वही काम, सिंपल सी बात है कि दोबारा से वही टेबल बनाओ, ये राइट कर लो, ये राइट जैसे ही हो गया तो वैसे वैसे लिख कर साइन पहले नंबर पे होता है पी ओवर एच रहेगा, अब पी की वैल्यू कितना आया 5 लिखी, एच की वैल्यू बाकी है 13, कॉस कितना आ रहा है बी ओवर एच, तो बी की वैल्यू कितनी आई है 12, एच की वैल्यू कितनी आ रही है 13, 10 पी ओवर बी लिखा, पी दोबारा से 5 है और बी कितना है 12, ज्यादा कंटेस्टेड होगा तो अपने साइड, तो कोसेकेंट है इधर लिख देते हैं, कोसेकेंट कॉस किसका उल्टा होता है, कोसेकेंट सॉरी साइन का, साइन का उल्टा तो 13/5। अब सेकेंट, सेकेंट किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दिया, जैसे कॉस को उल्टा किया 13/12, 13/12,
और cot, cot होता है हमारा tan का उल्टा, tan का उल्टा होगा 12/5 आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यही खत्म। थैंक यू।